हिंदू सीमा को हमसफर बनाने के लिए हद से गुजर गए थे सुहेल। मौलवी को किडनैप कर किया था निकाह, बाद में इसी सीमा को दिया था बॉलीवुड हसीना के लिए धोखा। खूबसूरत लव स्टोरी को मिला दर्द भरा अंजाम। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सोहेल 52 साल के हो गए हैं। पॉपुलर फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सोहेल अपने बॉलीवुड करियर की वजह से कम बल्कि निजी जिंदगी की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं और साल 2022 तो सोहेल के लिए बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। वजह है बीवी सीमा सचदे से सोहेल खान का तलाक। जी हाँ, शादी के 24 साल बाद सोहेल खान और सीमा सचदे तलाक लेकर अलग हो गए हैं। दोनों ने इसी साल अपनी शादी के खत्म होने का ऐलान किया था। जैसे ही सीमा और सोहेल की शादी टूटने की खबरें मीडिया में फैली तो हर कोई हैरान रह गया था। भले ही सीमा और सोहेल की शादी का अंत तलाक पर हुआ हो, लेकिन हाँ, इनकी लव स्टोरी किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म की कहानी से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की मुलाकात, पहली नजर का प्यार, मम्मी पापा की नाराजगी, परिवार से बगावत और निकाह के लिए मौलवी की किडनैपिंग, सोहेल और सीमा खान की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। बता दें कि फिल्म प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग के दौरान ही सोहेल खान की मुलाकात पंजाबी फैमिली से आने वाली सीमा सचदे से हुई थी। उस समय सीमा खान फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बना रही थी। दोनों फिल्म के सेट पर मिले और तेजी से इनका प्यार परवान चढ़ा। कुछ ही समय की डेटिंग के बाद ही इन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन प्यार के आड़े आ गई सीमा के परिवार की नाराजगी। सीमा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। चूंकि सोहेल फिल्मी परिवार से थे, इस बात से सीमा के परिवार को एतराज था। इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सोहेल ने अपनी लव स्टोरी को फिल्मी ट्विस्ट दे डाला और सीमा को घर से भगाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद मस्जिद की तरफ जाते मौलवी को भी किडनैप कर वो घर ले आए। पापा सलीम खान की मौजूदगी में ही सीमा और सोहेल का निकाह पड़ा गया। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि निकाह के बाद भी सीमा ने ना तो अपना धर्म बदला था और ना ही नाम। शादी के 2 साल बाद दोनों एक बेटे निर्वाण के पेरेंट्स बने। सीमा और सोहेल का एक बेटा योहान भी है जिसका जन्म सेरोगेसी के जरिए हुआ है। दोनों की शादी ठीक चल रही थी, लेकिन साल 2020 में रिलीज हुई करण जौहर की वेब सीरीज फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। इसी वेब सीरीज में खुलासा हुआ था कि सोहेल और सीमा खान एक साथ नहीं है, बल्कि बिना तलाक लिए ही दोनों लंबे वक्त से अलग अलग रह रहे हैं। हालांकि इन्होंने तब भी अपने अलग रहने पर चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनकी शादी में दरार आने की बड़ी वजह हुमा कुरैशी है। दरअसल कुछ समय पहले हुमा और सोहेल की क्लोजनेस ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। विवाद पड़ने के बाद हुमा ने नजदीकियों पर सफाई भी दी थी और सोहेल के साथ अफेयर की खबरों को भी झुटलाया था, लेकिन कहा जाता है कि सोहेल और सीमा के अलग होने की वजह हुमा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।